हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगम ज्ञान। मैं हूं आपका होस्ट एडवोकेट कुशलदीप शुक्ला। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे अभी करंटली DU LLB 2022 को लेके क्रैश कोर्स चल रहा है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उसी कंटिन्यूएशन में हमने एक सेपरेट सीरीज भी शुरू करी है कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसका एक लेक्चर ऑलरेडी चैनल पर आ चुका है और उसी सीरीज का एक सेकेंड लेक्चर है, जिसमें हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से फीचर्स किस कंट्री से या फिर किस एक्ट से लिए गए हैं। फ्रेंड्स, होता क्या है कि इस क्वेश्चन जो आपका ये टॉपिक है सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, इससे एक MCQ एटलीस्ट बनता ही बनता है लॉ एंट्रेंसेज में। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल सी कुछ लिस्ट हैं जिसको हमें याद करने की ज़रूरत है। कुछ ट्रिक भी अगर होगी तो मैं उसको बीच में बताने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल लीगम ज्ञान को, और लेट बिल्कुल नहीं करते हैं फ्रेंड्स और वीडियो को शुरू करते हैं। अगर बात करें हम सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को भी, 1935 को, मैंने बताया था आपको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो कि इंपॉर्टेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंडिपेंडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट होने का कारण ये है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका अगर फ्रेमवर्क अगर आप देखो तो उसके काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ से ही बोरो करी गई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो क्या पर्टिकुलरली वो चीज़ें हैं जो यहाँ से ली गई हैं, जैसे कि फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है, ऑफिस ऑफ गवर्नर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन कैसे होते हैं वो लिया गया है, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, एमरजेंसी प्रोविजन जो हैं, ये सारे फीचर्स जो हैं फ्रेंड्स वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपका, उससे क्या क्या फीचर्स लिए गए एक बार देख लेते हैं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म जो है, जैसा कि आप सबको पता है कि ब्रिटिश में पार्लियामेंट्री फॉर्म टाइप की गवर्नमेंट होती है, तो वहाँ से ये फीचर लिया गया, तभी हमारी डेमोक्रेसी जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म की होती है। और जैसे कि US की जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म की होती है, और अगर इंडिया की आप बात करो तो पार्लियामेंट्री फॉर्म की जो गवर्नमेंट है हमारी। दूसरा, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स जो हैं वो भी ब्रिटिश से लिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप, जैसे कि US में सिर्फ ड्यूल सिटीजनशिप की बात होती है, बट हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से इस फीचर को लिया है सिंगल सिटीजनशिप का, क्योंकि हमारे कंट्री में एक सिंगल सिटीजनशिप होती है। उसी तरह से फ्रेंड्स, अगर आप कैबिनेट सिस्टम की बात करो वो भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। रिट्स जो हैं ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, रूल ऑफ लॉ, बाइकैमेरलिज्म और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो हैं, ये कुछ फीचर्स जो हैं जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। फ्रेंड्स, अगर जब आप बात करते हो सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो उसमें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और US कॉन्स्टिट्यूशन ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनसे कई सारे फीचर्स लिए गए हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भले क्वेश्चन बने ना बने, बट आपका इन दोनों से क्वेश्चन अक्सर बन जाता है, तो आप इनको जरा अच्छे से पढ़ लेना और इनको सेग्रीगेट करके पढ़ लेना कि US से क्या चीज़ ली गई है और ब्रिटिश से क्या चीज़ ली गई है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कनाडा से क्या लिया गया। तो फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर जो है वो फीचर है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जो है वो भी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो ये बॉरोड फीचर्स हैं और ये उन पर्टिकुलर सोर्सेज का नाम है जहाँ से वो फीचर्स लिए गए हैं। और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है DPSP का, कि DPSP से कहाँ से लिए गए हैं। तो आपको बड़ा इजीली याद करना है कि DPSP मतलब आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो DPSP कहाँ से लिया गया फ्रेंड्स, आयरिश यानी कि आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसी तरह से फ्रेंड्स, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वो भी फ्रेंड्स आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स ऑफ बाय प्रेसिडेंट, ये जो है वो भी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर आप बात करें कि इससे कौन से फीचर्स लिए गए हैं, तो आपकी जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है, वहाँ से बॉरो किया गया है। ज्वाइंट सेटिंग ऑफ पार्लियामेंट जो है वो भी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कमर्स एंड इंटरकोर्स जो है वो भी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसी तरह से फ्रेंड, अगर आप USSR रशिया की बात करो, यानी जो रशिया था उसको पहले USSR बोला जाता था, तो उससे क्या लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है फ्रेंड्स कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से ली गई हैं, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी जो बॉरोड फीचर है वो किस कंट्री से लिया गया है। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रशिया। उसी तरह से फ्रेंड, आइडिया ऑफ जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो है फ्रेंड्स वो आपका रशिया से लिया गया है। और अगर आप साउथ अफ्रीका की बात करो कि साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो आप देखते हो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है, ये जो है वो आपका साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है। उसी तरह से फ्रेंड, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, यानी राज्यसभा के जो मेंबर्स का इलेक्शन होता है वो भी आपका साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है, यहाँ से आपको बॉरो किया गया है उसको। अगर आप जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो, तो वहाँ से फ्रेंड सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी आपको पता होगा जब इमरजेंसी लगती है तो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर दिए जाते हैं,
तो वो जो फीचर है वो जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अगर आप फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। इससे जो आपका जो प्रीएम्बल में जो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स यूज हुए हैं वो आपके जो हैं वो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, जैसे कि रिपब्लिक एंड आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी ऑफ प्रीएम्बल, यानी प्रीएम्बल में जो तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज हुए हैं वो आपके फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। इसी तरह से फ्रेंड जैपनीज कॉन्स्टिट्यूशन से अगर आप देखो तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ जो है वो जैपनीज कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया जो आपके सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कि डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं, कहाँ किस कंट्री से कौन सी चीज़ ली गई है या फिर किस पर्टिकुलर एक्ट से कौन सा फीचर लिया गया है। तो ये जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि एटलीस्ट एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जो एमसीक्यूज हैं वो आपके लॉ एंट्रेंस बनते हैं, चाहे वो आपका बीएचयू हो, बीएचयू एलएलबी हो, चाहे आपका डीयू एलएलबी हो। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मुझे लगा आपको सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताना जरूरी है। फ्रेंड्स ये लेक्चर मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये जो लेक्चर है वो सेकंड लेक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज का, इसका प्रीवियस लेक्चर आप जरूर देखें ताकि आपको मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता चल जाए। और अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए लीगल ज्ञान चैनल को, ताकि आपको जो DULLB का फ्री क्रैश कोर्स है उसकी भी अच्छे से हेल्प मिल सके और उसका आप बेनिफिट उठा सको। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। थैंक्स फ्रेंड।